दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं अनु कपूर स्वागत करता हूं आपका इस शो में। वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आज के सफर में हम जिन पड़ावों से होकर गुजरेंगे, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। पहली कहानी में जानेंगे कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन फर्स्ट चॉइस नहीं थे डायरेक्टर की उस रोल के लिए। दूसरे नंबर पर स्मिता पाटिल के जीवन का कौन सा ऐसा राज जो उनकी माताजी को उनके जाने के बाद मालूम हुआ। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, उसके बाद तुमने पुकारा हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा सुप्रसिद्ध तारिका एक्ट्रेस स्टार भाग्यश्री को। पांचवें नंबर पर वो सेगमेंट जो पॉपुलर हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा, सुहाना सफर विद अनु कपूर रिश्ता पक्का है, जहां हम दो सेलिब्रिटीज के बीच में फैमिली कनेक्शन बताते हैं। फैमिली कनेक्शन हो सकता है बहुत दूर का हो सकता है उस फैमिली कनेक्शन को आप कोई नाम नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी फैमिली कनेक्शन होता है। तो आज हम बताएंगे कि क्या रिश्ता है अजय देवगन का गुजरे जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री नलिनी जयवंत के साथ। और अंत में इंदौर से हमारे श्रोता उदय मुले का प्रश्न। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सफर की और सुनते हैं ये मीठा गीत। रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति फादर एंड सन के रिश्ते पर और उनके कॉन्फ्लिक्ट पर बनी एक पावरफुल फिल्म थी। इस फिल्म में पिता का रोल डीसीपी अश्विनी कुमार, ये रोल किया दिलीप कुमार ने। रमेश सिप्पी जानते थे कि दिलीप कुमार का रोल ज़्यादा पावरफुल है और वो बहुत पावरफुल एक्टर हैं, और बेटे के रोल में किसी बहुत बड़े नामचीन आर्टिस्ट को लेने पर, स्टार को लेने पर ईगो क्लैशेस होने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने एक नए एक्टर के साथ काम करने का मन बना लिया। सलीम जावेद ने उन्हें राज बब्बर का नाम सुझाया। प्रोड्यूसर मुशीर रियाज और रमेश सिप्पी ने भी राज बब्बर के नाम पर सहमति दे दी। इत्तफाक से इसी बीच जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन रमेश सिप्पी से संपर्क किया और उनसे कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, मैं इस फिल्म में क्यों नहीं हूं, क्या मैं ये रोल नहीं कर सकता हूं। इस पर रमेश सिप्पी ने उन्हें दोनों रोल की ब्रीफिंग दे दी और अपने मन की बात साफ कर दी। बाप का रोल है और वो दिलीप कुमार कर रहे हैं। बहरहाल अमिताभ बच्चन को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने रमेश सिप्पी को यह आश्वासन दिया कि उनकी तरफ से ईगो क्लैश जैसी कोई बात नहीं आएगी और वो ये फिल्म करने को तैयार है। रमेश सिप्पी के लिए इससे बेहतर क्या बात हो सकती थी कि दो पावरफुल एक्टर, सक्षम अभिनेता उनकी फिल्म में काम करने को तैयार है। अमिताभ बच्चन के साथ रमेश सिप्पी पहले भी काम कर चुके थे और ये बात उनके फेवर में गई और रमेश सिप्पी ने राज बब्बर की जगह अमिताभ बच्चन को ही इस रोल के लिए फाइनल कर दिया। बात तब की है जब स्मिता पाटिल की मौत के बाद उनकी माताजी श्रीमती विद्या पाटिल को स्मिता की एक किताब में से एक पेपर मिला जिसकी स्याही थोड़ी सी फैल गई थी। ये लेटर उन्होंने स्मिता की दोस्त डायरेक्टर अरुणा राजे की लिखी एक कविता के रूप में था जिसका आधार विषय था मौत। विद्या ताई ने उस पेपर को अरुणा के पास भिजवाकर उसके बारे में जानकारी करनी चाही। तब अरुणा ने उन्हें बताया कि स्मिता पाटिल उन्हें ठिकाना फिल्म की शूटिंग के दौरान कैप्टन्स बंगलो में मिली थी और उस दिन वो बहुत उदास और खोई खोई सी दिख रही थी। उस दिन वह अरुणा के साथ ही रहना चाहती थी मगर अगले दिन स्मिता को सुबह कलकत्ता निकलना था। स्मिता के कलकत्ता से लौटने के बाद अरुणा ने स्मिता के उस दिन के व्यवहार को देखते हुए जीवन के अंत पर यह कविता लिख डाली थी, जिसे पढ़कर स्मिता की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत जज्बाती हो गई थी। उन्होंने अरुणा को बताया कि कलकत्ता में वो नींद की गोलियां हाथ में लेकर सुसाइड करने की तैयारी में थी मगर आखिरी वक्त पर उन्हें
ध्यान आया अरुणा का और अपनी माताजी का, और किसी तरह से वो लम्हे उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर गुजार दिए। माताजी विद्या पाटिल को यह जानकर बड़ा शौक लगा कि उनकी लाडली बेटी आत्महत्या करने की मानसिक स्थिति से गुजर रही थी और उन्हें इस बात की रत्ती भर भी भनक न हुई। एंड वेलकम टू तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो हेलो अनु कपूर जी। हाँ नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ हरीश महाजन। कहाँ से बोल रहे हैं हरीश भाई? सूरत से। सूरत गुजरात से हरीश महाजन। हाँ। जी हमारे साथ फोन पे जुड़ गए। जी हरीश भाई बोलिए, कैसे हैं? परिवार सब ठीक है? बस सब ठीक है। क्या करते हैं आप? हम हीरे के धंधे में। अरे रे रे, तो मतलब करोड़ों में खेलते हैं हरीश भाई? नहीं नहीं, गरीब अनु कपूर की याद कैसे आ गई? नहीं नहीं, मजदूर है हम तो, हीरे घिसने का काम करते हैं। अच्छा रे रे, आप हीरे घिसने का काम करते हैं, हम दिल घिसने का काम करते हैं। मुझे आपसे सवाल पूछना है। जी जी पूछिए। क्या आपको ये शौक कैसे जागा, ये सब आपको इतनी मेमोरी आपकी इतनी स्ट्रांग कैसे है कि आप सब कुछ याद रख सकते हैं, इतनी पुरानी फिल्में नई फिल्में? जब कलाकार को मालूम पड़ता है कि जनता और उसे चाहने लगी है, उसे प्रेम करने लगी है, उसकी एक ख़ास अदा को सराहती है, प्रशंसा करती है, तो भैया सब कुछ याद हो जाता है। मेरा ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी पूरी टीम है, 92.7 बिग एफएम की टीम है, तो हम सबकी पूरी एक टीम है भाई हरीश भाई। हाँ। जिसकी जो मेहनत करते हैं इसलिए कि आपका दिल बहला सकें। और सब ठीक ठाक है परिवार में? बस सब ठीक ठाक है। तो सूरत में रहते कहाँ हैं? बेटा है, मैं सूरत में रहता हूँ, वराछा रोड। अच्छा, और घर में कौन कौन है? माँ है, पिताजी है, भाभी है, भैया है, बीवी है, बच्चे है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। क्या नाम है? एक का नाम, बच्ची का नाम जानवी है, लड़के का नाम वंश। अरे वाह वाह, जानवी और वंश को हमारी तरफ से आशार, भाभी जी को प्रणाम कहिएगा हमारी तरफ से। ठीक है, नमस्कार हरीश भाई। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री को। भाग्यश्री का जन्म सांगली के राजा विजय सिंह राव पटवर्धन और मां रोहिणी सिंह के घर 23 फरवरी 1969 को हुआ था। तीन बहनों में सबसे बड़ी भाग्यश्री मैनेजमेंट स्टडी के लिए विदेश जाने वाली थी कि तभी इन्हें अमोल पालेकर और उनकी पत्नी ने टीवी सीरियल कच्ची धूप में एक्टिंग का ऑफर दे डाला। भाग्यश्री ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। ये सीरियल आया, बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बाद भाग्यश्री ने होनी अनहोनी और किस्से मियां बीवी के जैसे सीरियल्स में काम किया। एज ए हीरोइन इनकी पहली फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म, नाम आप सब जानते हैं, मैंने प्यार किया। इनके हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और पर्दे पर सुमन का रोल करने वाली भाग्यश्री रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के दौरान ही भाग्यश्री ने हिमालय दसानी से शादी कर ली। इस फिल्म के बाद भाग्यश्री ने मीडिया में यह बयान दिया कि वो भविष्य में फिल्में सिर्फ अपने पति के साथ ही करेंगी, या वो फिल्मों में रोमांटिक सीन करना चाहेंगी लेकिन अपने पति के साथ। ये स्टेटमेंट उनके करियर पर भारी पड़ गया। इस स्टेटमेंट के बाद इन्हें पति हिमालय के साथ, कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल जैसी फिल्मों के लिए साइन किया गया, मगर ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। फिल्म मेकर्स भाग्यश्री से दूर होते चले गए, जिसके बाद भाग्यश्री ने सारा और समझौता जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। आगे इन्होंने 2000 के बाद एक बार फिर से हेलो गर्ल्स, जन्नी, हमको दीवाना कर गए और जन्म जन्म का साथ जैसी फिल्मों से वापसी की, मगर दुर्भाग्य से वो सफलता हासिल नहीं हो पाई। 2015 में भाग्यश्री टीवी सीरियल्स में फिर लौट आईं और त्रिशा में दिखाई दी। एक्टिंग के अलावा भाग्यश्री अपने पति के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस सृष्टि एंटरटेनमेंट का काम भी देखती हैं, संभालती हैं। सहारा वन पर आने वाले सीरियल कागज की कश्ती का निर्माण इनके प्रोडक्शन हाउस ने ही किया था। दो संतानें हैं, बेटी अवंतिका और पुत्र अभिमन्यु। वो और उनका परिवार खुश रहे, यही हमारी कामना है, प्रार्थना है। भाग्यश्री, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रही हो तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें, बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ
आज हमने याद किया। हमारे दर्शक भी आपको चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, परिवार के साथ आनंदमय जीवन बिताएं, यही मंगल कामना है। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। रिश्ता पक्का है, दो सेलिब्रिटीज के बीच फैमिली कनेक्शन। आज की दो सेलिब्रिटीज हैं अजय देवगन और नलिनी जयवंत। क्या फैमिली कनेक्शन है, क्या रिश्ता है। हो सकता है रिश्ता दूर का हो सकता है इस रिश्ते को कोई नाम ना दे पाए, परंतु फैमिली कनेक्शन तो फैमिली कनेक्शन होता है। तो गौर से सुनिए। अजय देवगन की पत्नी है काजोल, काजोल की माताजी तनुजा, तनुजा की माताजी का नाम शोभना समर्थ, शोभना समर्थ की माताजी थी सिंगर रत्तनबाई, शोभना समर्थ की माताजी का नाम रत्तनबाई, रत्तनबाई के भाई का नाम दादा साहेब जयवंत, और इन्हीं दादा साहेब जयवंत की सुपुत्री थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नलिनी जयवंत। तो यह है रिश्ता अजय देवगन और नलिनी जयवंत का। रिश्ता दूर का जरूर है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि रिश्ता पक्का है। आज का आखिरी सेगमेंट इंदौर के उदय मुले का प्रश्न। विकट प्रश्न पूछा था कि क्या इन तीनों बहनों ने, ये लेजेंडरी तीन बहनें जो हैं लता, आशा और उषा, ने कभी एक साथ कोई गीत गाया है। तो जो खोजबीन की गई, जो शोध हुआ, हमारी जानकारी के अनुसार एक ही बार ऐसा संयोग हुआ है, और वो संयोग आया है 1970 की फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में, जहां तीनों बहनों ने, यानी कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में एक गीत रिकॉर्ड किया था। बोल थे वीरेंद्र मिश्रा के, और पोइट्री हम जिए या मरे, हाय हाय हम क्या करें। हमारी जानकारी के अनुसार यही केवल एक ऐसा गाना है जो तीनों बहनों ने एक साथ गाया है। इसके अलावा ऐसी कोई जानकारी आप में से किसी के पास हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। आप खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें, गाजियाबाद रहें, यही मंगल कामना है। प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।